गाइस कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं रफीक इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे एयर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है भाई, टाइटल नहीं, शॉर्ट वीडियोस देखने जा रहे हैं। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हुए राम राम, आप गांव के हैं किसी? जोधपुर के नहीं, कोई गांव है आपका? वो बालक घर पर ही था, बड़ा वाला बेटा है जिसकी मृत्यु का रहस्य निकलवाना है। वो बड़ा वाला बेटा है, घर पर ही था, विदेश से आया था, क्योंकि डॉक्टरी भाषा में हार्ट बना, डॉक्टरी भाषा में हाथ पैर बना, अटैक बना हुआ है, लेकिन हमारे इसमें अटैक नहीं आया। इस बालक पर मूठ विद्या का प्रयोग किया गया, क्योंकि इस बालक को पूर्व में कोई खीर खिलाई गई, खीर, उससे टोटका विद्या इसके ऊपर असर किया, बाद में उसका पूरा शरीर नीला भी पड़ गया था, ये उसका कारण। बहुत परेशान, कोई काम सफल नहीं होता, मन अस्थिर है एवं प्रेम चक्कर में भी पड़े हुए हैं, उन्हें पाना चाहते हैं, जिसको कारण स्ट्रेस का डिप्रेशन बना हुआ है। आप डिप्रेशन से बाहर आए, तुम्हारा लवेलिया सफल हो जाएगा, आशीर्वाद है। हर चीज सेट हो जाएगी। तुम पूछना भाई जो तुम सुन पाओ, इसलिए उतना ही पूछा जो तुम सुनो। अब जब नहीं तुम्हें सुन पाना है तो सीताराम है, पर हमारे देखो हमारे लोहे भाई भाई, दिस इज वेरी हाई भाई। हनुमान जी की लीला ऐसी कि लंदन में भी हनुमान जी का बंधन हुआ, और वहां की संसद में भी, जब जो है वहां की पूर्व में महारानी थी, अब तो राजा हो गए हैं, महारानी क्वीन एलिजाबेथ, उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में साइमन ओमन जब वहां पर आए, और उन्होंने भी जब हनुमान जी की लीला को देखा, वो भी बोले दिस इज मैन वेरी पावरफुल। हाथ जोड़ करके कहा, सर आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इज वेरी पावरफुल। इतने सारे लोग हैं, हम जगह जगह इसलिए जा रहे हैं, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन रात एक किए, जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर उठारा हाथ किया, उनकी अब फटरी और बटरी दोनों बांधी जाएगी। भारत राम का राष्ट्र है, राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी, भारत में रहना होगा तो सीता नाम करना होगा। बताएंगे सबको होता है मलेरिया, हाँ तो मैं हो लवेरिया, लवेरिया। हमने तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम्हारे जो मित्र आए वो फ्रेंड सर्कल तुम्हारी कह रही थी गुरुजी तुम्हारी पोल खोलते कि नहीं, बोलो हाँ या ना। जी जी है? जी अब लवेरिया में बताओ, जुड़वा दें कि तोड़वा दें? होते हमें लड़ाई मची, लड़ाई हो गई हमें तुम्हारी फोन से, हम सुना रहे तुम्हारी दो जन की बात है। हाय बंदा परेशान कर दिया, तू तो बोले ही नहीं क्या? हम लोगों की कथा में भीड़ आती है, बागेश्वर धाम सरकार की कथा में सुनामी आती है, ये बहुत वायरल हो बाकी। ओए 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 वाकी यार, सुनामी से भी बढ़कर है।
जी वाह। अभी भी बाजी तुम्हारे हाथ में है, अभी हम जीते नहीं है क्योंकि एक पर्चा बचा है, हरा के हम मानेंगे। आप अगर बदलना चाहो एक नई पार्टी बुला लूं यहाँ से? अपने नहीं आप अपने नहीं बुलाएं, क्योंकि जिनके बारे में आप सोच रहे हो तुम्हारे यार क्या लिखा है? नामक अर्जी लेकर आई, गिरवी रुपया लेकर आई है, जिनके घर में एक भी रुपया नहीं है, उपद्रव मचा है, नौकरी छूट गई है, चिंता ना करें, स्थायी सरकारी जॉब बनेगी, बालक कलेश करता बात नहीं मानता, सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। ये आपको कहने अपने वापस उठाना है। कहाँ के हो? उज्जैन। पहले तो तुम्हें हमें चेक करने, अब श्रद्धा हो गई तुम्हारी अचानक। हम बहुत बदमाश हैं, तुम समझ जाओ मैं कैसे पकड़ रहा हूँ। अच्छा, हमने लिख लिया, बोलो क्या बात करें। क्या नाम है आप? अमन गुप्त सिंह। पूछिए क्या बात, फ्यूचर के बारे में क्या? हमने लिखा, पढ़िए, तुम्हारी भी आंखें खुलनी चाहिए। में व्यापार होगा, आशीर्वाद कुड़ी के बारे में बताए गुरु जी। लगी तुम्हारे पीछे बात सब बाली है। मुझे माफ कर दो, मुझे जो लग रहा है मैं बस वो ही बोल रही हूँ। तो जो धोखा मिला उस पर चर्चा करें। ओए होए 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 आपको सब पता है। अभी तो आप कह रहे थे सेटिंग है। तो अभी डर लग रहा है। वो जो बाधे हुए थे साथ जीने मरने के, जिनके लिए घर से लड़ गई थी, घर वालों से भी कह दी थी मॉम तुम पागल हो, बहुत अच्छा है। बस लगाओ ना। जो नाम का नहीं है उसका त्याग कर दो। तुम कहोगे महाराज हमारे माता पिता हैं। हाँ, तुमसे पहले भी किसी ने त्यागा है। तजो पिता प्रहलाद, अपने पिता का त्याग कर दिया प्रहलाद जी ने। क्यों? क्योंकि वो नाम के विरोधी थे। भाई भुजा कहलाती है, पर एक ऐसे हुए जिन्होंने भाई का त्याग करवा दी कर दिया और भाई का पद करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो नाम के विरोधी थे। कौन? विभीषण बंधु। विभीषण
संसार में सबसे बड़ा रिश्ता अगर कोई होता है भावुकता का, तो उस रिश्ते का नाम है माँ। माँ से बड़ा कोई ममता का भावुकता का नाता नहीं है। लेकिन आज भरत ने राम के कारण अपनी माँ को ही त्याग दिया। विभीषण बंधु भरत महतारी और गुरु का रिश्ता विश्व में बहुत बड़ा नाता है। लेकिन एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने गुरु को भी त्याग दिया, बलि गुरु तजो, राजा बलि ने गुरु को भी त्याग दिया। सब जो बीत गया सो बीत गया। अच्छा, इसमें घटना की जो मृत्यु होता है उसकी तारीख भी इसमें लिखा है। कौन सी बहुत बड़ी आफत हो गई, बेटा को तंत्र विद्या पढ़ने के कारण उसके हार्ट में समस्या और नीला पड़ गया। डिप्रेशन ब्रेन में बनाया वह शरीर एक ही बेटा था जिसका शांत हो गया। 11 तारीख को चिंता न करें, मारण विद्या प्रयोग की गई थी जो लौट तो नहीं सकता है, सख्त है, लेकिन अभी आप गर्भवती हैं, वही लौट कर आएगा। जब आप वहाँ गई थी तो फिर यहाँ वो धर्म परिवर्तन के लिए बोलते थे, बैप्टिज्म लेने के लिए बोलते थे। अगर तुम बैप्टिज्म लोगे तो तुम्हारा हो सकता है कि समस्या दूर हो जाए। लेकिन अगर हो सकता है कि हो, ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है मतलब वो गारंटी नहीं है। जी नहीं, शरीर में दर्द है, बोझ बना, तंत्र बाधा के कारण आपको समस्या है, बहुत जगह गई आराम नहीं लगा, गंदी हरकत प्रेत करता जो माइक पर बता नहीं सकते हैं, चिन्ह है, सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है, आपके पति का नाम देवेश है, कोई हरकत नहीं करेगा, और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना, आशीर्वाद। तुम्हारे वो हरिद्वार वाले नहीं बता सकते, लाल टोपी वालों के बगल में जो बैठे उनको भेज दिया था। माइक लीजिए, कहाँ से? अच्छा, नजदीक आ जाइए आप, बोलिए क्या विषय है आपका और कोई बात? पढ़ाई को लेके आपका कैरियर पढ़ाई का प्रश्न है, जो उन्नत होगा अभी करते रहिए, आगे कृपा होगी। घर में तंत्र किया गया जिसका प्रभाव आपके शरीर पर है, चक्रण होता है, पेट में पीड़ा बनाता है, उल्टी अत्यधिक आती है, उकाई भरती है, कुछ भी खा लेती है तो 2 मिनट में पेट में घूर व चाकू चलने की स्थिति बनती है। ये आपको हरकत भूत विद्या की गई है, रविंद्र नाम का लड़का इसमें सम्मिलित है, तांत्रिक कट जाएगा, आशीर्वाद। ये सही करते हैं बंदे का भी जो, उसके बाद से ऐसे फेजेस आने लगे लाइफ में, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का, पता नहीं क्यों। और उसके बाद करियर में भी कुछ सही नहीं चल रहा है और घर पे भी बहुत डिस्टर्बेंस लगा हुआ है। आप भी इसी क्वेश्चन का उत्तर लेने आए हैं, बात आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, हमारी तरफ से अब चुकी तो हानि है, योग वही बन रहा है। अला परिवार हाई फाई तो है पर उचित ठीक है अपनी मंतव्य से, पर बालिका का मंतव्य नहीं है। कुछ ऐसा कारण है जो बिना माइक के हम अभी बोल देते हैं, कुछ ऐसा कारण है जो कि हम नहीं चाहते, लाली है हमारी बहन है, इसका समाज विवाद ना जावे, हम बिना माइक के बोल देते हैं और हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। यार बेस्ट शॉट्स थे आज के, एक ऐसा शॉट आ जाता है ना कि जो लोग बेचारे अपनी समस्या लेकर उनके पास आते हैं या उनसे पूछते हैं ना, तो जब वो एक सच बताते हैं तो उनकी एक आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि हर एक दूसरे बंदे को मुसीबतों ने घेरा हुआ है ऐसा है, या कुछ लोगों ने ऐसा कुछ किया हुआ है कि एक बंदा अगला जो है ना परेशानियों से निकल ही ना पाए। और जितने भी लोग आए हैं ना वो बस इसी चीज़ को लेकर कुछ फिर आ जाते हैं बीच में, लव वाला चक्कर भी चल जाता है, गुरुजी तो वो सब कुछ ही बता देते हैं। बाबा जी नहीं, वो सही कहते हैं कि आपको लवेरिया हुआ। हाँ लवेरिया
ये ठीक है, ये कसम से नहीं, ज्यादातर इस चीज के काफी लोग आते हैं कि हमें अपना प्यार नहीं मिल रहा, हम क्या करें, गुरुजी आप कोई हल बता दें, तो वो आगे से सही भाई लवेरिया का इलाज बताते हैं कि भाई आप खुद ही ट्राई करें, इसमें मैं क्या करूं। हाँ। लेकिन वो एक के साथ तो मसला खराब हुआ था, उन्होंने वो भी बता दिया कि हाँ लड़ाई लड़ी हुई हुई है, कहीं आ जाते हैं जज करने के लिए, वो उनको जो है ना वो देख रहे होते हैं। लेकिन ये कि असल में मसला होता है कि हर बंदा आजकल परेशान है, हर कई बंदे ऐसे हैं जिनको मसले मसाइल होते हैं, नहीं होते लाइफ में, लेकिन ये कि एक जो उनका काम पसंद आया ना वो यही है कि वो जो टारगेट किसी के थ्रू कर रहा है ना उसका नाम वो बता देते हैं कि फलां बंदा इसमें शामिल है, आगे आप अपना जो है ना वो हल, कईयों को तो वो कह देते हैं कि अब आप जाएं, ये आपका मसला है, आगे इसका हल जो है ना वो निकल जाएगा। लेकिन भी बहुत कमाल लोग काफी ना एक यार उम्मीद लेकर आते हैं लोगों को, मतलब कि अपना मसला पहले बताते हैं लेकिन आगे भाई से पूरी हिस्ट्री खोल कर रख देते हैं कि ये यहाँ से मसला स्टार्ट हुआ है और यहाँ से इसको काटा गया, तो तब जाकर आप मतलब के सुकून से ज़िंदगी जी लेंगे। लेकिन यार काफ़ी अजीब लगता है जब देखो ना लोगों की पूरी हिस्ट्री बता देते हैं, ये मतलब के यकीन नहीं अगले बंदे को क्या हुआ, देख लो कि वो मतलब उनके पास काफ़ी इस तरह की एक शक्ति है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन नहीं है कि भैया आप देखें ना कि लोग कितनी तादाद में वहाँ पे आते हैं, सुनामी आती है, सुनामी वाला सीन बिल्कुल उनका ठीक है कि सुनामी की सूरत में ही लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है जो फ्रंट वाले हैं वो तो, लेकिन जो कि बैक तक जो है ना आवाज़ जानी उनका देखना, वो तो बड़े भाई लक्की होते होंगे जो बेचारे पीछे खड़े होके देख लेते हैं या, लेकिन ये कि आप देख लो उनके कई पर्सनल मसले ऐसे भी हैं लोगों के, वो भी फौरन उनके सामने हल करते हैं, ये एक बहुत सेटिस्फेक्शन होती है जो कि फौरन बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाए ना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन और ये है कि ये नहीं बोलते कि आप एक बंदे, काफ़ी ज़्यादा उनके पीछे ये कंट्रोवर्सी लगी थी कि अपने बंदे बिठाए होते हैं यार, वो तकरीबन अब देख ले उनको कितने साल हो गए, अब कोई तो बंदा ऐसा उठकर खड़ा होता कि आकर सोशल मीडिया पर बयान दे देता, हाँ जी उन्होंने हमें समझाया था या कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा कोई आज तक सीन ही नहीं हुआ। हर दूसरा बंदा बुगस से भरा हुआ है, जाहिर बात है जिसको थोड़ा बहुत, उसने तो दूसरे दिन ही आके खड़े हो जाना था मीडिया के सामने या कहीं ना कहीं उसने कि ये यहाँ पे ये चल रहा है, लेकिन वो भी सीन अब इतनी बड़ी भीड़ है यार, इस तरह थोड़ा ही होता है, वो तो ये छोटे मोटे कोई हो तो वो अपना को लगा ले ऐसे, लेकिन इधर कोई भी नहीं, बाबा जी ने हर चीज ऐसे ना खोल कर सामने रख दी है। बाकी काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स थे, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।